ये है पोको X2 जिसका बैटरी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मैंने फुल यूज कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट और साथ ही साथ क्या बैकअप देखने को मिलता है फुल यूजेज पे 100 से 0% का, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तभी फिलहाल ये स्विच ऑफ हो चुका है तो मैं इसे चार्जिंग पे डालता हूँ और देखते हैं कि पहले वाला जो अपडेट आया था उसके कंपेरिजन में यहाँ पे इसका चार्जिंग क्या स्लो हुआ है या फिर फास्ट हुआ है, साथ साथ बैटरी को इंक्रीज किया गया है या नहीं, यानी पूरा डिटेल आपको चार्जिंग, बैटरी बैकअप और बैटरी ड्रेन से रिलेटेड मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसे एक्सचेंज कर दिया है मी 11X के साथ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मी 11X मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक और लेने का फ़ायदा है नहीं कुछ। तो मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि अगर आप डर रहे हो कि कैमरा डेट कहीं ना हो जाए तो आप अपग्रेड कर सकते हो पोको X2 से मी 11X के ऊपर, क्योंकि मी 11X पोको X2 के एक्सचेंज के साथ 12K के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसका वीडियो आपको आई बटन या मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे चार्जिंग पे इन करके और देखते हैं टाइमिंग। तो यहां पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, अब यहां पे प्लग ऑन करने वाला हूं और यहां पे स्टार्ट। तो अब यहां पे हो चुका है टाइमिंग शुरू और चार्जिंग भी शुरू, देखते हैं कि कितने देर में ये कुछ परसेंट को चार्ज कर पाता है और 100 कितना टाइम पे कर पाता है, और बूट टाइमिंग वगैरह भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे है जो 1% दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं 2-4% हो जाने के बाद हम ऑन करेंगे, क्योंकि अक्सर मैं ऑन करके ही फ़ोन को चार्ज करता हूँ, क्योंकि डेली लाइफ में हम ऐसे ही फ़ोन को चार्ज करते हैं, थोड़ी ना फ्लाइट मोड करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो सेम उसी तरीके से टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे भी। और पिछले बार कितना रिजल्ट आया था चार्जिंग का वो भी मैं को बताने की कोशिश करूंगा। तो बैटरी यहाँ पे 4% हो चुका है, तो ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा और टाइमलेस देखेंगे कितना टाइमिंग लगता है। तो यहाँ पे बूट टाइमिंग हमने जो नोट कर लिया है सब कुछ, रिजल्ट में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अब 5% हो चुका है और इसे अनलॉक कर लेते हैं और रिसेंट को क्लीन कर लेते हैं। अभी थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है सिस्टम, क्योंकि अभी जस्ट ऑन हुआ है और बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लैग दिखाई दे रहा होगा आपको काफ़ी अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं हम अपने बैटरी के ऊपर, जहाँ पे आपको 5% देखने को मिल रहा है। तब कंप्लीट चार्ज करके मिलते हैं कि क्या कुछ कितने टाइमिंग पे क्या क्या देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पे 99% कंप्लीट हो चुका है चार्जिंग और टाइम लगा है 1 hour 12 minutes का, लेकिन देखते हैं कि 100% कितने मिनट में ये कंप्लीट होता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है और इस बार का जो टाइमिंग लगा है वो है 1 hour 14 minutes के आसपास का, जो कि आप देख सकते हो 0% से। तो अगर इसके पहले वाले अपडेट की बात करें जो कि 12.5.2 था, तो उसमें जो टाइमिंग हमारा लगा था वो है 1 hour 12 minutes का, तो ओनली 2 minutes का एक्स्ट्रा टाइम लगाया, तो 2-3 minutes ऊपर नीचे होता रहता है, तो बिग इशू नहीं है। तो आपको जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और आप देखोगे पहले जो मैंने यूज़ किया था 100 से 0%, उसमें जो 69 hours कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रियल में स्क्रीन ऑन टाइमिंग क्या मिलता है और बैटरी ड्रेन क्या मिलता है स्टैंड बाई का, चलिए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीनशॉट कलेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये आप देख सकते हो पहले के सारे डिटेल्स वगैरह है। तो यहाँ पे है 79%, और जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो 79 का 79 देखने को मिलता है, यानी 0% का बैटरी ड्रॉप है। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं तो ये है 5%, और जब मैं मॉर्निंग में दोबारा चेक करता हूँ तो ये आ जाता है 2% के आसपास का, यानी 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है जब बैटरी बहुत ही कम था जब, लेकिन जब फुल चार्ज था तो ऐसा ड्रॉप देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके से डिफरेंट आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, ये डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आपके फ़ोन में क्या कुछ डाला हुआ है और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके अनुसार है जो बैटरी ड्रॉप होता है, बट बैटरी ड्रॉप का मुझे कुछ खास इशू नहीं लगा। वहीं पे हम बात करें कि भाई स्क्रीन ऑन टाइमिंग क्या देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 70 hours के आसपास है जो लास्ट चार्जिंग था। और स्क्रीन ऑन टाइमिंग जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि जितने भी MIUI के डिवाइसेज है ना, उसमें आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो ना, तो लास्ट चार्जिंग और फर्स्ट टाइम का चार्जिंग सबका टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे बिगड़ जाता है, एक्यूरेट टाइम नोट नहीं कर पाता। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे 25 आवर्स हो चुका है, और यहाँ पे जो ग्राफ है ये 100% से शो नहीं कर रहा है, तो आधा ग्राफ यहाँ पे गायब हो चुका है। और वहीं पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग की बात करें तो 8 hours 40 minutes का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा कि पहले भी हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप में कोई खास डिक्रीज नहीं आया है, ना ही चार्जिंग के अंदर ही डिक्रीज आया है, लेकिन बाकी अगर ग्राफ के ऊपर बात करें तो अभी का आप ग्राफ देखोगे तो उसमें स्क्रीन ऑन टाइमिंग बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमेशा बग देखने को मिला है, जो कि सिर्फ इस डिवाइस का नहीं है, ये हर एक डिवाइस में मैंने नोटिस किया है, चाहे वो MIUI से रिलेटेड कोई सा भी डिवाइस क्यों ना हो। और रही बात कि यहाँ पे बूट टाइमिंग कितना लगता है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पे टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है 319 और यहाँ पे 352,
तो यहाँ पे करीब करीब 23 सेकंड का टाइमिंग लगा बूट होने में, फर्स्ट वाला फॉल्स था। सेकंड और थर्ड को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 23 के आसपास का सेकंड आता है, जो कि पहले भी सेम था 22-23 के आसपास, तो बूट टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख पाओगे जो है हमारा 35 मिनट कंप्लीट हो जाता है, तो 35 मिनट में हमारा फोन चार्ज हो गया था वो है 58%। यानी अपने फोन को आधे घंटे का टाइमिंग देते हो तो जीरो से आधे के आसपास पहुंच जाता है, आप कहीं पर जाके आ सकते हो अगर कहीं जाना है तो। उसके बाद मैंने 46 मिनट टाइमिंग दिया इसे चार्ज होने में, तो ये चला गया 75 के आसपास का, जो कि आप देख पा रहे हो। फिर से यहाँ पे आप देखोगे कि 1 आवर्स मैंने इसे पूरा कंप्लीट टाइम दिया तो यहाँ पे 91 चला गया था, यानी एक घंटे में ऑलमोस्ट फुल के आसपास पहुंच जाता है। और आप सभी को पता है कि 90 के बाद फोन थोड़ा स्लो चार्ज होने लग जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 90 के बाद 1 आवर 40 मिनट है जिसमें ये 100% कंप्लीट किया, तो यहाँ पे 9 से 10% को कंप्लीट होने में इसे 14 मिनट के आसपास का टाइमिंग लगा है। तो यहाँ पे ना ही कुछ खास इंक्रीज हुआ है बैटरी के अंदर, ना ही कुछ खास डिक्रीज हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम आपको पहले जैसा ही मिल जाता है। लेकिन इसका फुल रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें मैंने कुछ बग वगैरह भी नोटिस किए हैं, जो कि आगे वाले फुल वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और आप देख पाओगे कि मैं लेटेस्ट अपडेट यूज कर रहा हूँ जो कि 12.5.3 है। इसके पहले भी एक अपडेट आया था जो कि सस्पेंड कर दिया गया काफ़ी दिनों के बाद, और उसके बाद ये अपडेट मिला है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को मिल गया है बट अभी भी बहुत सारे यूजर्स को मिलना बाकी है। तो अपडेट करने से पहले आप फुल रिव्यू एक बार चेक कर लेना कि इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, कोई बग तो है नहीं ना, और ये कैमरा वगैरह का कुछ इशू तो नहीं ना आया है इसलिए, तो आप फुल वीडियो का वेट जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप देख पाओगे यहाँ पे मेरा कैमरा है जो प्रॉपर काम कर रहा है, कैमरे के अंदर कोई भी इशू नहीं है, पोर्ट्रेट वगैरह जो कुछ भी हो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप अपने पोको X2 को अपग्रेड करना चाहते हो मी 11X के लिए ना, तो उस वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि मी 11X आपको पोको X2 के साथ 12 से 13K के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।